हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि आप देखो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो 67 और 75 ये क्या है, थीटा है, एंगल है। तो इसने बोला है कि आप इसको ऐसे चेंज करो या फिर ऐसे एक्सप्रेस करो कि जो इनके थीटा है या फिर इनके एंगल हैं वो इसके बीच में आए, 0 और 45 के बीच में लाई करें। ठीक है, इसमें क्या बोला है, यहाँ पे 67 है, एक 75 है। तो इसने बोला आप इसको ऐसे चेंज करो फिर ऐसे एक्सप्रेस करो कि इनकी जो एंगल्स हैं वो 0 और 45 डिग्री के बीच में आए। आप कुछ मत सोचो, आपने क्या पढ़ा था एक्सरसाइज में 8.3 में, आपने ये पढ़ा था कि आपको इन एंगल्स की वैल्यू तो पता नहीं है, 67 डिग्री की साइन 67 डिग्री की वैल्यू नहीं पता आपको, और कॉस 75 की वैल्यू आपको नहीं पता। तो करते क्या थे आप, साइन थीटा को चेंज करते थे किसमें, कॉस 90 माइनस थीटा की उस फॉर्म में, और कॉस थीटा को आप चेंज करते हो साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। अब अगर आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हो, ठीक है, 67 प्लस 75 कितना होगा, 70 और 60 अप्रॉक्स 130 कुछ आएगा। ठीक है, तो 130 के अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पे 132 आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। हमने अब तक यही पढ़ा कि अगर एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल नहीं है तो अगर एंगल्स का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो हम दोनों में से किसी एक की वैल्यू को चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों को एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हम दोनों को चेंज करेंगे। या आप ऐसे समझ लो, या फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इसके एंगल्स को चेंज करना है और ऐसे चेंज करना है, इनको ऐसे चेंज करना है कि इनके एंगल्स जो आए वो 0 और 45 के बीच में आए। अब यहाँ पे 67 है, यहाँ पे 75 है, मतलब दोनों को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले, साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75, इसमें बोला एंगल्स आप इनको चेंज करो, ऐसे चेंज करो कि इनके एंगल्स इसके बीच में आए। ठीक है, तो ये क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे मतलब थीटा कौन सा है, ये है साइन थीटा। तो थीटा क्या है, यहाँ पे 67 डिग्री प्लस में कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। हमें दोनों के एंगल चेंज करने पड़ेंगे कि दोनों के एंगल बड़े हैं 45 से। ठीक है, और एंगल्स किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 45 के बीच में आना चाहिए, मतलब हमें दोनों की वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, दोनों के एंगल्स को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करते हम कैसे, इस मेथड से करते हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये क्या है, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो कॉस 90 माइनस 67 कितना होता है, 23 प्लस में साइन 90 माइनस 75 80 90 15। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, कॉस 23 डिग्री प्लस में साइन 15 डिग्री, मतलब ऐसे लिख दो साइन 15 डिग्री प्लस में कॉस 23 डिग्री, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना एंगल है, 15 डिग्री, यहाँ पे 23 डिग्री, इनके बीच में आ रहा है। तो आज हमने करा क्वेश्चन नंबर 7। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।